प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है और बता दें कि कोरोना के मामले को लेकर सैलजा ने सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि सरकार की विफलताओं ने कोरोना के संकट को बढ़ाने का काम किया है और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सैलजा ने सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर ये सरकार गंभीर नजर नहीं आती है और सैलजा ने सरकार के काम को नकारापन करार दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना के मामले को लेकर सैलजा ने सरकार पर तंज कसा है और उनका कहना है कि सरकार की विफलताओं ने कोरोना संकट को बढ़ाने का काम किया है और वैक्सीनेशन को लेकर ये सरकार गंभीर नजर नहीं आती है। बता रही कुमारी सैलजा ने वीडियो जारी कर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सरकार के काम को नकारापन बताया है, हमको नकारापन बताया है। नमस्कार साथियों, आज हमारा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। भाजपा सरकार की विफलताओं व नाकामियों ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। हमने देखा कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की बद इंतजामी ने हजारों लोगों की जान ले ली। डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस महामारी की रोकथाम व लोगों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर अभी भी ये सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा सरकार के नाकारापन के कारण ही देश में टीकाकरण का कार्य सुचारू नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जल्द देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट टीकाकरण नीति बनाए और देश में सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण मुफ्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।